यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में स्थित दामोदर पाटिल स्कूल एवं साइंस जूनियर कॉलेज ने शिक्षा विभाग के तमाम नियमों को लांग दिया है। शिक्षा विभाग की लापरवाही की बदौलत स्कूल के ज्यादातर विद्यार्थी अन्य शहरों में नीट और जेई की कोचिंग कर रहे हैं और इधर उनकी हाजिरी के नाम पर विद्यालय में केवल कागजी खानपूर्ति चल रही है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। पैसों और मिली भगत के दम पर क्या कुछ नहीं किया जा सकता, इस बात की जिंदा मिसाल दिग्रस शहर में दामोदर पाटिल स्कूल और साइंस जूनियर कॉलेज के रूप में सामने आई है। स्क्रीन पर नजर आ रहे इस शिक्षा संस्थान की ओर से बीते 7 से 8 सालों से विद्यार्थियों के अभिभावकों से भारी भरकम प्रवेश शुल्क वसूल कर एडमिशन लो और जेईई नीट के लिए जहां जाना हो जाओ, इस आशय की मनचाही ऑफर धड़ल्ले से चलाई जा रही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग भी इस और सब कुछ जानते बूझते हुए आंखें मूंद कर बैठा है। आमतौर पर विद्यार्थियों के भविष्य के लिए 10वीं और 12वीं का शैक्षिक सत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वो 2 वर्ष होते हैं जिसके बाद उनके करियर की दिशा तय होती है। लेकिन दामोदर पाटिल स्कूल और साइंस जूनियर कॉलेज में न तो पर्याप्त शिक्षक है न ही नियमित विद्यार्थी है। ऐसे में यहाँ नियमित लेक्चर्स, अध्ययन और साइंस प्रैक्टिकल का तो कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। शिक्षा संस्था के नाम पर जारी इस फर्जीवाड़े में न सिर्फ संस्था चालक मुख्याध्यापक बल्कि मुंह मांगी रकम अदा कर अपने बच्चों को इस तरह के स्कूल कॉलेजों में प्रवेश दिलाने वाले अभिभावक भी लिप्त है। एक तरफ सरकारी शिक्षा विभाग विद्यार्थियों की पट संख्या जांच सहित वैलिडेशन अनुसार शिक्षकों की संच मान्यता, शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के लिए भरसक प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कई शैक्षिक संस्थान शिक्षा विभाग के नियमों का उल्लंघन कर केवल कागजी खानापूर्ति की बदौलत सरकारी अनुदान की खैरात लूट रहे हैं। सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित प्रवेश प्रक्रिया को ठेंगा बताते हुए कई स्कूल और कॉलेजों में मनमाने तरीके से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। कई फर्जी स्कूल और कॉलेजों में लेक्चर तथा प्रैक्टिकल्स होते हुए नजर नहीं आते। विद्यालयों की इसी सहूलत के बल पर अधिकतर विद्यार्थी बड़े पैमाने पर शहरों के निजी जेईई नीट क्लासेस में प्रवेश लेते है, जबकि डॉक्टर या इंजीनियर बनने की चाह रखने वाले विद्यार्थियों के लिए 10वीं और 12वीं के लेक्चर्स और प्रैक्टिकल बुनियादी तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हाल ही में जब दिग्रस शहर में स्थित दामोदर पाटिल स्कूल और जूनियर साइंस कॉलेज में पहुंचकर पत्रकारों ने यहां पर कार्यरत मुख्याध्यापक से बात की, तब उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल उनके कॉलेज में नियमित रूप से कोई लेक्चर्स या प्रैक्टिकल्स नहीं होते, क्योंकि विद्यालय के अधिकतर विद्यार्थी नीट तथा जेईई क्लासेस के लिए अन्य शहरों में अध्ययनरत है। इस मामले में जब हमने जिला परिषद माध्यमिक शिक्षण उपनिरीक्षक योगेश डाफ से फोन पर वार्तालाप किया, तब उन्होंने बताया कि दिग्रसगढ़ शिक्षणाधिकारी मुकेश कुंडावार को साथ लेकर मंगलवार 16 जनवरी 2024 को दामोदर पाटिल स्कूल में उन्होंने भेंट दी और उसका औचक निरीक्षण किया। संबंधित विद्यालय की खामियों पर जल्द ही इस बाबत संबंधित संस्था को जिला कार्यालय द्वारा शो कॉज नोटिस जारी की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी, ऐसी जानकारी भी उन्होंने दी है। आज हम दिग्रस शहर के दामोदर पाटिल स्कूल और जूनियर कॉलेज जो है साइंस जूनियर कॉलेज इस परिसर में है। आप देख सकते हैं पीछे जो शिक्षा संस्था नजर आ रहा है, यहाँ पर शिक्षा का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। यहाँ पर ना तो कोई लेक्चर्स होते हैं ना ही प्रैक्टिकल्स होते हैं, बल्कि यहाँ पर छात्रों को सहूलत के दरों पर प्रवेश दिया जाता है और साल भर यहाँ पर वो विद्यार्थी यहाँ स्कूल और कॉलेज में नहीं आते, वे बड़े शहरों में जाकर जेईई और नीट के क्लासेस करते हैं। यहाँ पर शिक्षा के जो नियम है, शिक्षा विभाग के जो नियम है, उसका सरासर उल्लंघन हो रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग ने इस ओर अपनी आंखें मूंद ली है। ये अकेला विद्यालय नहीं है जो शिक्षा का फर्जीवाड़ा कर रहा है, बल्कि तहसील भर में और जिले भर में ऐसे कई विद्यालय हैं जो एक तरह से शिक्षा को बेच रहे हैं और सहूलत के दरों पर मनमाने तरीके से शिक्षा का जो पवित्र क्षेत्र है उसको कहीं ना कहीं वो ठेस पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षा विभाग को इस ओर ध्यान देना होगा और ऐसे जो भी विद्यालय इस जिले में हैं या इस तहसील में हैं उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसने की जरूरत है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान।